फजर के टाइम में जब काम से आती थी ना, अल्लाह मेरे मौला की कसम है, पूरी दुनिया सो रही होती थी और मैं जैसे गाड़ी से उतरती थी ना और मैं रो पड़ती थी, या अल्लाह कुछ ऐसा वक्त लेके आ कि दुनिया सो रही है और हम लोग इस टाइम जाग रहे हैं, सफर कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक हैं? पिंकिश व्लॉग चैनल और इधर से व्लॉग शुरू हुआ है हमारा, वेलकम टू माई चैनल। और कल मैं सारा दिन वीडियो नहीं बना सकी, इसलिए क्योंकि मैं बताऊँ आपको, एक तो हमारे यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। सुबह मैं आई हूँ, सुबह लाइट गई है, अब लाइट आई, कल सारा दिन लाइट नहीं थी। और एक बात मैंने आप लोगों से करनी थी सच्ची, देखें जो यूट्यूब चैनल बना रहा है, या उसमें मेल हो या फीमेल हो, जो टिकटॉक बना रहा है फीमेल हो या मेल हो, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है ना? अपने काम के ऊपर आप टिका के डटे रहो, ठीक है? एक दिन आपको हिम्मत का, आपको मेहनत का, हिम्मत का फल अल्लाह पाक मौला जरूर देगा। ये ना कहना कि हमारे व्यूज नहीं आ रहे, या हमारे कोई सा हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो रहे, या अगर टिकटॉक के ऊपर हमारे फॉलोअर्स नहीं हो रहे, या हमारे लाइक नहीं हो रहे, उम्मीद रखें अल्लाह की जात के ऊपर कि एक टाइम में, एक वक्त में अल्लाह पाक ने आपकी उम्मीदों को और आपकी मोहब्बतों को और आपकी मेहनत को इधर ले आना इंशाल्लाह ताला। और ये इंशाल्लाह ताला मेरी भी बहुत सारी आप लोगों के साथ दुआएं, हमेशा दुआएं रहेंगी, मैं आप लोगों को हमेशा दुआएं करती हूँ। और आज आप भी बना रही हैं देसी अंडे, बना रही हैं और उबाल रही हैं माशाल्लाह, क्या करें, पार्लर कोई किचन बनाया हुआ यार। अभी भी उस मेरे दूसरे पार्लर के अंदर किचन की भी वो थोड़ी सी सेटिंग हो रही है, क्या करें। आपको पता है कि हम, मैं अपने घर से कुछ नहीं खाती पीती, मैं इधर ही आके बाजी लोग मेरी किस्मत करती हैं, अल्लाह पाक इन्हें सलामत दे। और अगर सनी मेरी वीडियो सुन रही है तो नो मिस यू, मैं तुम्हें मिस नहीं करती, नहीं, मिस करती है, नहीं करती क्यों मैं नहीं मिस करती, इससे, आपकी बेटी ये है। बदतमीज है इसने मुझे। कॉल, मैंने कॉल की, इसने मेरी कॉल उठाई, बताएं आप मुझे, जरा नहीं उठाई, नहीं उठाई जब भी ना। मेहमान आए हुए घर में जितने भी तो मेहमान आ जाए, आप इधर रश होता तो हम इसका क्या कहते हैं, मैं इसका फोन नहीं उठाती मैं। उठाती है। हाँ तो बस मैं इससे नहीं बात करती जी फ्रेंड्स। और अच्छा फ्रेंड्स, मैं ऐसा कह रही थी आप लोगों को, फोन सुन ले आप, एम्बुलेंस वालों का। अच्छा मैं कह रही थी क्या कहते हैं, सनी की बात कर रही थी, सनी की बात कर रही थी कि अपनी शहजादी को याद करती, मिस नहीं कर रही, मैं नहीं याद करती कोई मेरी शहजादी बाहर में जाए, मिस कर रही दफा हो जाए, दफा हो जाए अपनी शहजादी को, मैं नहीं बार बार करती नाम ले रही याद, सनी नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, नो नेवर, गेट आउट। देखो सनी कैसे आपकी माँ को झूठ का याद कर, कौन माँ, कौन सी माँ, किसने कहा माँ, खबरदार मुझे माँ कहा तो। छोटी बड़ी पिंकी, छोटी पिंकी को याद कर रही उसने एक मतलब भी मुझे कॉल नहीं करी, मैं इतने दिन मेरी तबीयत भी है ना अभी खराब रहेगी ना मेरी तबीयत, एक मतलब भी कॉल नहीं करी, मैं इसको फोन करूँ तो किसी फोन नहीं उठाती, अभी वो तो बीमार, उसको बहुत बड़ी बीमार, मलेरिया और टाइफाइड हो गया उस बच्ची को, मतलब मलेरिया और टाइफाइड दोनों बहन भाई हो गए हैं, होने दो, क्या कहते थे कि रातों को 3-3 बजे तक यूज होती है। हाँ बीमारी के अंदर टाइम से सोना चाहिए फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में बताना, टाइम से सोना चाहिए ना बीमारी के अंदर, कोई भी बुखार हो, नजला हो, खांसी हो, आप जितना रेस्ट करोगे उतना जल्दी ठीक होगे, ठीक है ना। रात को 3-3 बजे तक जागना, हम क्या करें गप्पे लगा रही, हम क्या करें गप्पे लगा रही, कौन सी गप्पे जो लग रही है मुझे कोई रात को जागने के लिए कहे, नेवर नो, मेरा दुश्मन सबसे बड़ा मुझे रात को जागने के लिए कहेगा, अब नहीं जागती। टाइम था मैं 2 साल पहले बहुत रातें जागती थी, पूरा पूरा दिन हो जाता था, काम करके आती थी मैं, सुबह घर पहुंचती थी 7 बजे। आप यकीन करोगे सच्ची बात है, मैं अल्लाह के आगे ना रो के दुआ करती थी फजर के टाइम, आप इधर दिखाएंगे मैं, फजर के टाइम में जब काम से आती थी ना, अल्लाह मेरे मौला की कसम है, पूरी दुनिया सो रही होती थी और मैं जैसे गाड़ी से उतरती थी ना और मैं रो पड़ती थी, या अल्लाह कुछ ऐसा वक्त लेके आ कि दुनिया सो रही है और हम लोग इस टाइम जाग रहे हैं, सफर कर रहे हैं, आप लोग मेरी आंखों के आंसू देख रहे हैं, ये आंखों के आंसू मेरे उस टाइम के जब मैं सुबह के टाइम फंक्शन करके आती थी, तो मैं ये दुआ करती थी कि जैसे मेरी गाड़ी शहर के अंदर इंटर होती थी ना किसी मेरी गली में, कहती थी कि या अल्लाह ऐसा नसीब बनाया है कि दुनिया सो रही है और अब हम इस टाइम जाके सोएंगे, तो अल्लाह पाक ऐसा कुछ सिस्टम कर के मैं कारोबार करूं। फिर सोचती थी क्या करूंगी, कपड़ा बेचूंगी,
कोई मैं जुतियां बेचूंगी, क्या कर सकती हूँ मैं। लेकिन मेरे हाथ में मेरे अंदर का जो जमीर था ना, मेरी जो अंदर की पिंकी थी, उसने मुझे जगाया कि तुम पार्लर चला सकती हो। और अभी भी मेरे फील्ड के लोग कहते हैं कि ये काम नहीं कर सकती, काम नहीं करना जानती। कोई बात नहीं, मुझे किसी से भी कोई गर्ज नहीं है। मैं सुनती हूँ, मुझे लोग बताते हैं आके, लेकिन मैं किसी से भी मैं एक चीज का कोई गर्ज नहीं रखती। और लेकिन मुझे अल्लाह पाक बहुत हिम्मत दी, अल्लाह पाक ने मुझे, और मैं कर रही हूँ। मेरे पास शीमेल ना आए तो मेरे पास पब्लिक आती है, मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी फैमिलियां आती हैं जो मुझसे प्यार करती हैं, मेरे प्यार के लिए पॉलर में आती हैं। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। आप यकीन करें कि अल्लाह पाक सबका ऐसा नसीब बनाए। और कुछ मेरी काफी सारी मेरी शीमेल्स जिन्होंने माशाल्लाह बुटीकें बनाई हैं, कारोबार कर रही हैं, और अल्लाह पाक उनको बहुत इज्जत दे और ऐसे हिम्मत करती रहे। आमीन, आमीन। हिम्मत करने से सब काम होता है। ये नाचना, ये गाना, ये पूरी जिंदगी नहीं रहता। मैं हकीकत से कह रही हूँ, मुझसे बढ़के किसने अपने डांस किए हैं, मुझसे बढ़के किसने शो किए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हमेशा नहीं रहता, ये एक दिन ना खत्म हो जाता फिर इसका एंड नहीं होता। ये है दलदल, चला तो जाता है खुशी से, लेकिन निकालना बहुत मुश्किल है इस दलदल से। बहुत कम लोग निकलते हैं। और मेरी मेरे मौला से दुआ है कि अल्लाह पाक जो निकलना चाहता है उनकी ऐसे नजदीक हो के मदद कर, आसानी पैदा, और वो आसानियां पैदा कर कि वो अपना काम कर सकें, वो अपने लिए देखे हलाल रिजक कमा सकें। और मेरी बहुत सी दुआएं होती हैं सबके लिए, और मैं दुआएं करती रहती हूँ। और ये मेरे आज के जो आंसू थे ना, वो इसी चीज के लिए थे कि मेरा अल्लाह मुझसे बहुत प्यार करता है, सबसे करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने जो चाहा मुझे वो मिला, मैंने जो मांगा मुझे वो मिला, जो मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे वो चीजें भी मिली हैं। और मैं बता नहीं सकती कि मुझे बहुत कुछ दिया है मेरे रब ने, बहुत कुछ दिया है। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक सबको ऐसे दे, हर चीज से नवाजे अल्लाह पाक, और हमेशा सबकी खैर हो, हमारी मुल्क की और हमारी दुनिया की, और मेरी सहेलियों की भी खैर हो। जो मेरी सहेलियां इतनी प्यारी हैं, इतनी अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, अल्लाह पाक उनको घर दे। जिनके पास घर नहीं है, मेरी सहेलियों को घर दे अल्लाह पाक। और क्या कहते हैं, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं, अल्लाह पाक उनको जगह दे। जिनके पास खाना नहीं, उनको खाना दे। और अल्लाह पाक हर गंदे कामों से सबको बचा के रखे। आमीन। थैंक यू सो मच। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे शेयर भी करना और लाइक भी करना। हाँ जी फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? ठीक ठाक है। मुझे सर्दी बहुत लग रही थी, तो जो हमारा अंदर का जो केबिन है उधर मैंने एक छोटा सा अपना एक मैंने बिस्तरा रख लिया है, और मैं इधर आके लेट गई थी। मुझे बहुत मेरी तबीयत अपसेट सी हो रही थी, और इसलिए मैंने चाहा कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। फिर मैं गई थी पीटी सेल वालों के पास। हमारा नेट बहुत दिनों से ख़राब हुआ हुआ था, वो मैं ठीक करवाने गई। और उसके साथ साथ फिर मैंने इधर कोयले भी रखे हुए थे, कॉफ़ी पी मैंने थोड़ी सी। और अब आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि तबीयत अपसेट थी। और ये सूट कैसा है, ये अली भाई ने बनाया है। इसका गला देखो कितना खूबसूरत है, और मुझे ये गला बहुत प्यारे लगते हैं। भाई जब भी गले बनाते हैं बहुत अच्छे बनाते हैं, इस तरह बनाता है कि पूरे क्लोज हो जाते हैं गले ना। तो देखो इसका जो गलों का डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है। और अक्सर अली भाई बहुत अच्छे कपड़े बनाता है, और बनाता भी दिल से है ना। मैं तो अक्सर उसी से ही बनाती हूँ, शुरू से मैं उसी से बनवाती हूँ, तो मुझे अच्छे लगते हैं कपड़े, अच्छे बनाता है। तो अभी तबीयत अब कुछ ठीक हुई है, अभी आई हैं तो उन्होंने मुझे टैबलेट दी है। ये मैंने डबल पोस्टॉन खाई है गोली, डबल पोस्टॉन की गोली खाई है। फिर मैंने पानी पिया है, और फिर आई थिंक कॉफ़ी पी आधे घंटे के बाद, फिर मैंने ग्रीन टी पी। अब थोड़ी सी मैं ठीक मीक हो गई हूँ, चंचल हो गई है, ठीक है ना। और आप लोग भी अपना ही ख्याल करते रहना, प्यार मोहब्बत बांटते रहना हमेशा, जैसे आप लोग बांटते रहते हो। मुझे दुआ में याद करते रहना, ठीक है ना। फिर आपके साथ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज फिर आप ही के घर आई हूँ मैं, आप ही के घर, और आप ही बना रही हैं आज रोटी बाजरे वाली, और देखती हूँ कैसे बना रही हैं। कहते बहुत अच्छी होती हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट करूंगी, खाऊंगी, चेक करूंगी कैसी हैं। और आप लोग खैरियत से? मुझे आज के व्लॉग में आप लोग इजाज़त दें, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैंने सोना है।
हमारे घर में नेट बिल्कुल भी नहीं था, मैं अभी के घर आई हूँ, नहीं कि जल्दी से व्लॉग एंड कर दूँ मैं। तो आप लोग अपना ख्याल करना, देखो आप ले आई है सारा साजो सामान अपना, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।